हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। और आज के मिनी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं ऑरेंज छील रही हूँ ना, वैसे मेरा दिमाग भी कुछ छिल सा गया है, क्योंकि मेरा जो है मोबाइल का चार्जर जो है खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सैड हूँ। सैड इन द सेंस कि अब जाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली मैं तैयार होकर मार्केट आ गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे घर पे कल आने वाली है, उनका कॉल आया था, तो कुछ सब्जी खरीदनी थी। तो फाइनली 11 बज रहा है और यहाँ मैं हूँ किचन में और तैयारी कर रही हूँ कटलेट की। और साथ में मैंने जो है ना, उनका कॉल आया था कि मैं जो है 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो इस वजह से मैं किचन में हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिया है कटलेट बनाने के लिए। साथ में मैंने खड़ा मूंग जो होता है उसे भिगो करके रख दिया था, और जो फूल गोभी होता है ना उसके छोटे छोटे पीसेस करके अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया कबाब बनाने के लिए। तो 1 बजे करीब वो आने वाली है, तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी करने लग गई हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ सडनली, आप लोग भी बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या मतलब कैसा महसूस करते हैं। तो फिर मेरे पास में फोन आया कि मैं नहीं आ रही हूँ, मतलब कल आऊंगी, सर्दी जुकाम हो गया। तो सारा काम मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर फाइनली मैंने खाना खाया और जाकर के मैं सो गई। उसके बाद 5:30 पौने 6 पे कॉल आया कि मैं 8 बजे तक आऊंगी। तो फिर से मैंने काम वहीं से स्टार्ट कर दिया जहां पर मैंने छोड़ा था। बनाने लगी हूँ कबाब और साथ में जो है ना बैगन का भरता, क्योंकि सुबह तो मैंने नाश्ते की तैयारी कर लिया था, बाकी अब उससे थोड़ा सा मतलब बनाना बाकी है। और डिनर की तैयारी यहाँ पर मैं मतलब कर रही हूँ, तो साथ साथ में हम लोगों का डिनर भी होगा और स्नैक्स की पार्टी भी होगी। तो यहाँ पर मैंने पीली कलर की साड़ी पहन लिया, गुरुवार का दिन है, कुछ नाश्ते की प्लेट लगा ली है, लाइक चंद्रकला है, गुलाब जामुन है, दही बड़े है, गुजिया है, और अभी बन रहा है पकौड़ी मंगोड़ी और थोड़ा सा कटलेट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड पहुंच गई हैं जो गवर्नमेंट शिक्षिका है, उनके हस्बैंड जो है बैंक मैनेजर है, और सिद्धार्थ जो है स्तुति का क्लासमेट है। तो काफी इंतजार करवाया फाइनली, लेकिन पहुंच गई, काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी नाश्ते के बाद हम लोगों का डिनर भी हो गया था और यहाँ से दूसरे दिन की क्लिप स्टार्ट हो गई, जिसमें मैं ड्रम स्टिक और पोटैटो बनाने लग गई हूँ। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते तुझे ग्रहण हो। हृदय से कामना करो, पाप क्षमा करो, जीवन दे दे। ये वाला गाना जो है ना स्तुति को आज जो प्रैक्टिस के लिए मिला है, पर स्तुति इसको थोड़ा सा क्लासिकल की तरह गा रही है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा आप ऐसे गाओ। तो यहाँ पर हम लोगों की जो है म्यूजिक प्रैक्टिस चल रही है। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा मिनी ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।